हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोगों, स्वागत है आपका मेरे एक और एपिसोड में। और आज हम फिर से एक बार खेलने वाले हैं पंपिंग सिमुलेटर। और आप सबको याद होगा हमने एक नवा घर लिया था जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और इस सोसाइटी में हम रहने आए थे। और यहाँ से मैं अंदर चल के तुम्हें दिखा देता हूँ एक बार कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा घर है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है। और यहाँ अंदर चलो, यहाँ पे मैंने कुछ आइटम्स नहीं लिए थे, दो मिनट ले लेता हूँ भाई, अभी मेरे पास पैसा बहुत है। तो चलो, और जब से मैंने हाई रेट करा है ना भाई, पैसों की कमी नहीं है, बट हाँ हमारी रेपुटेशन गिर रही है मार्केट में। रेपुटेशन उठाने के लिए हमें फिर से रेट सस्ते करने पड़ेंगे। तो चलो ठीक है, और मैंने आप सबके लिए एक कम्युनिटी पोस्ट डाली है, तुमने अगर चेक नहीं करी तो जाके चेक करो, उसमें अपनी फेवरेट कार बताओ। हम अगला एपिसोड लाने वाले हैं, तुम्हारी जिसकी जिसकी फेवरेट कार होगी उस पे, और कुछ देखते हैं क्या बनाएंगे एपिसोड में, बट भाई एपिसोड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा। तो जाओ कम्युनिटी पोस्ट में अपनी फेवरेट कार जल्दी से बताओ भाई, नाम भी बताऊँगा मैं लेके कौन से सब्सक्राइबर की ये फेवरेट कार है। तो चलो अभी के लिए हम जल्दी से यहाँ से निकलते हैं अपने घर पे, और क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है तो मैं सोच रहा हूँ क्यों नहीं घर चल के सो लेता हूँ। देखो यहाँ ये वाला घर तो है बट मैं यहाँ सो नहीं सकता हूँ। तो चलो मैं यहाँ आ तो चुका हूँ, ये रही डिलीवरी की साइकिल है, यहीं पे मेरा घर। तो ठीक है, अभी मैं जल्दी से अंदर चलता हूँ, खाना पीना भी खा लेता हूँ यहाँ पे मेरे, हाँ टेबल पे रखा हुआ है ये देखो। तो ठीक है, इसे उठाना नहीं है, खाना है भाई, जल्दी से खाता हूँ। कंडीशन बहुत ज़्यादा गलत थी मेरी, बट ठीक है अब ठीक हो चुकी है। और यहाँ पे ग्रीन भाई, ये पता नहीं ड्यू की बोतल हो सकती है। तो चलो अभी ना मैं बेड पे चल के सोता हूँ, बट एक सेकेंड, यहाँ पे मैं सो नहीं सकता। मुझे जहाँ तक लगता है इस बेड पे भाई, मतलब इस बेड पे ही क्या, इस गेम में सोने का ऑप्शन ही नहीं है। और यहाँ पे मैंने $1 तो नहीं लगाया था, मैंने दो मिनट रुको, मैंने काफ़ी तगड़े वाला प्लान चुना था। तो ठीक है, $1000 चाहिए भाई, एक एक से पता नहीं कितने सेकंड में $1000 तो बनेंगी। तो ठीक है, अभी के लिए मैं जल्दी चलता हूँ अपनी शॉप पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं ठीक है अपनी बाइक पे ही चल लेता हूँ इससे अच्छा। तो ये रही अपनी बाइक, और आज सोच रहा हूँ क्यों ना एक न्यू कार बाय कर लें, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा अमीर हो रहे हैं ना धीरे धीरे करके, तो हमारे पास एक कार तो होनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो अभी ना मैं एक कार बाय करता हूँ, यहाँ से लेफ्ट जाना है। तो ठीक है, आगे की साइड से निकलूँगा मैं, जहाँ पे हम अपना पुलिस केस कर सकते हैं। तो चलो यहाँ से राइट मोड़ता हूँ, ये रहा हमारा भाई, वो देखो पुलिस की गाड़ी खड़ी है ना, उसी की बात कर रहा था मैं। और ये आ चुका है अपना स्टेशन, और सामने की तरफ आपको कार वाला दिख ही गया होगा। तो चलो कार शॉप पे चलता हूँ, और यहाँ से मैं एक नवी कार ख़रीदने वाला हूँ। तो ठीक है, यहाँ पे मैं गाड़ी रोकता हूँ जल्दी से, और यहाँ से देखते हैं कौन सी गाड़ी सबसे अच्छी रहेगी लेने के लिए। तो अभी एक रेड कार है जो कि सही है, वैसे येलो कार भी सही खासी लग रही है, बड़ा अजीब सी लग रही है थोड़ी मेरे को, बस भाई इसमें भी ख़तरनाक है। और ये भी 3000 की है, बट इसका कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और देखने में भी अच्छी लग रही है यार, तो इसको ही मैं बाय कर लेता हूँ। तो ठीक है, इसको मैंने बाय कर लिया है, अभी इसके अंदर बैठ के देखते हैं। और भाई साहब इसमें क्या क्या है भाई, ठीक है न्यूट्रल एन से कर सकते हैं हम, गियर गुर का है, और मैं पहले ही पीछे ठुक चुका हूँ। और ये भाई गाड़ी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रही है, दो मिनट उतरता हूँ, दोबारा बैठ के ट्राई करते हैं भाई, गाड़ी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है ऐसा लग रहा है। वो भाई आवाज़ तुम सुन रहे हो, क्या ही खतरनाक आवाज़ है इस गाड़ी की। और भाई गाड़ी चलने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और यहाँ पे तुम देख रहे हो सही में यार गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है यार, मुझे लगा नहीं था। तो ठीक है, एक चक्कर मार के आते हैं इस गाड़ी का अपना भाई, ये रहा स्टेशन वैसे, बट गाड़ी तो मेरे को ना भाई कमेंट में बताना कि गाड़ी सही में कैसी लग रही है। तो चलो यहाँ से मैं एक चक्कर मार के आता हूँ, इस फ्लाईओवर पे मैं कभी आया नहीं हूँ, बट हाँ आज घूम के आते हैं इस फ्लाईओवर पे भी। तो ठीक है, और गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्पीड में जा रही है, 100 तो पार कर गई भाई आराम से, 100 तो बड़े प्यार से पार कर रही है ये, मतलब कि भाई इस गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा है, बट ठीक है हमें देख के चलाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के जो मोड है ना भाई, ये ब्रेक काफ़ी ज़्यादा तेज लगती है, इसके कारण ना हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो सकता है, सही में गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। तो चलो अभी यहाँ पे आ चुका हूँ मैं, और यहाँ पे अपना रेस्टोरेंट भी ओपन करना है यार $4000 का, कोई बात नहीं रेस्टोरेंट ओपन करेंगे। तो अभी के लिए मैं अपनी गाड़ी को यहाँ खड़ाता हूँ, ठीक है यहाँ चलो अंदर की साइड, तो यहीं पे खड़ा होऊंगा भाई। क्या लग रही है यार हमारी गाड़ी, सही में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रही है,
तो ठीक है, यहाँ पे मैं गाड़ी मोड़ता हूँ। तो डन, यहाँ मैंने अपनी गाड़ी को खड़ा दिया है, और तुम सब मेरे को कमेंट में जाके बताना कि गाड़ी सही में कैसी लग रही है। तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा डिस्काउंट देते हैं इन्हें, जिससे कि हमारे इसकी मार्केट की रेपुटेशन बनी रहे। और मैं मैनेजर में देखता हूँ कि और क्या क्या कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। हमने काफ़ी कुछ करा नहीं है, क्योंकि हमें करना अब काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ठीक है गाइस, फाइनली यहाँ पे हमें ऑर्डर करना है पहले मार्केट का सामान, और भी जो जो है यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। 2 मिनट रुको, यहाँ पे कैमरा भी चेक कर लेता हूँ ना एक बारी। 2 मिनट, यहाँ कैमरा और मेरी गाड़ी खड़ी हुई है बाहर की तरफ। ठीक है ठीक है, सिक्योरिटी में हमारा मतलब कार कूर अगर चोरी आएगी होएगी तो हमारे कैमरे में तो आ ही जाएगी। तो ठीक है, यहाँ एम्प्लॉय सारे के सारे फ्री बैठे हुए हैं भाई, इन्हें फ्री के पैसे देता हूँ मैं, कोई बात नहीं। इनमें से कुछ को मैं निकालूंगा इस टाइम, देखता हूँ, इन्हें निकालने का काम भी करना पड़ेगा। और यहाँ अपना स्टेशन को ना फुल्ली अपग्रेड कर लेता हूँ, जिससे कि हमारा स्टेशन फुल्ली अपग्रेड हो जाए। पैसों की कमी नहीं है इस टाइम, तो कोई चक्कर की बात नहीं है। तो चलो यहाँ से इसको भी अपग्रेड करो। डन भाई, हमारा फुल्ली अपग्रेड हो चुका है स्टेशन। बस हाँ, अभी रेस्टोरेंट इसमें बाकी है। और हाँ, तुम्हें याद होगा कि हमने कॉइन्स बाय करे थे, मतलब एक सेकंड में पता नहीं कितने कॉइन्स बनते हैं। तो यहाँ 44 कॉइन्स बने हैं, $2 के अराउंड चल रहे थे, तो मैंने सेल कर दिए हैं सारे के सारे कॉइन्स, जिसमें कि मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट ही हुआ है वैसे। तो ठीक है, चलो अभी जल्दी से यहाँ से चलता हूँ। यहाँ पे हायर करना है सैफ और वो, बट उसके लिए ना मेरे को सामान मंगाना पड़ेगा, और पहले तो मेरे को ना भाई बाय करना पड़ेगा अपना रेस्टोरेंट। ठीक है, सुबह भी हो चुकी है यार काफ़ी जल्दी। तो चलो अभी ना मैं जल्दी चलता हूँ और वहाँ चलते हैं और रेस्टोरेंट बाय करते हैं। यहाँ पे सही काम चल रहा है ना, 2 मिनट मेरे को अपनी गाड़ी मोड़ने दो भाई। गाड़ी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है सही में यार, काफ़ी ज़्यादा इसे चलाने में मज़ा आ रहा है। बट एक सेकंड भाई साहब, ये ठुक ठुक चुकी है थोड़ी बहुत, बट कोई नहीं, इस गाड़ी में स्क्रैच नहीं आने वाला, दूर रहती है थोड़ी बहुत गाड़ी ना हमारी। तो चलो अब जल्दी से चलता हूँ, यहाँ साइड में लगाते हैं अपनी गाड़ी को, रेस्टोरेंट में बाय करता हूँ। तो ठीक है, इस गाड़ी को सच में बोल रहा हूँ भाई, बहुत ज़्यादा चलाने का मन कर रहा है, क्योंकि बहुत अच्छी चल रही है यार, इसके कंट्रोल्स तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो चलो यहाँ पे इसको रोको, जल्दी से रोक दिया गाड़ी, यहाँ पे हम इसको बाय करते हैं। ठीक है, $4,000 का है ना, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने इसे बाय कर लिया है रेस्टोरेंट को। और अभी इसके लिए मेरे को बाय करनी पड़ेगी इसकी चेयर्स। तो ठीक है, इनकी चेयर्स भी मैं बाय कर ही लेता हूँ यार, क्योंकि करनी तो है। और यहाँ कस्टमर बैठेगा किस पे, बिना चेयर के टेबल पे खड़ा होगा तो खाएगा नहीं। तो ठीक है, यहाँ से मैं चेयर बाय करता हूँ। डन, ये हो चुकी है चेयर। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चेयर्स हैं जिनको मेरे को बाय करना है, और मेरे पास पैसों की कमी बिल्कुल भी नहीं है। तो ठीक है, और अभी एक वर्कशॉप भी बाय करना है, वो देखेंगे हम कब तक करते हैं। बट अभी रेस्टोरेंट बाय करा है तो इसको चलाना भी है, इसके लिए हमें अपने मेन्यू भी देखना पड़ेगा कि मेन्यू में क्या क्या आइटम्स हैं। तो चलो, यहाँ पे मैंने कुछ कुर्सियाँ बाय कर लिया, बट मेरे पास $4.5 बचे हुए हैं। 2 मिनट रुको, मेरे को ना पैसे पाने पड़ेंगे, ATM जाना पड़ेगा। ठीक है, ये पुलिस वाले पे चल लेता हूँ अभी ATM। मैं सोच रहा था अपने गैस स्टेशन में चले जाता हूँ, बट कोई बात नहीं, यहाँ फूड ट्रक के पास आ गए हैं हम, और यहीं से $2,000 बहुत रहेगा हमारी वॉलेट में। तो रुको, यहाँ पे डाल लिया है मैंने वैसे मनी इन अकाउंट। ठीक है, ATM में डाला है मैंने, अपने वॉलेट में नहीं डाला। तो चलो अभी ना मैं जल्दी चलता हूँ और वहाँ पे करते हैं सेल। और भाई कस्टमर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, तो इनका भी पैसा थोड़ा बहुत कम कर देते हैं, इन्हें राहत रहेगी। और भाई सामान लेना बंद तो नहीं करेंगे, देखो इसके करके रेपुटेशन कितनी ज़्यादा गिर गया, मतलब 45%, कहाँ की ये 100 हो चुकी थी। तो यहाँ पे मेरे को चाहिए सामान, तो 2 मिनट रुको, इसको भी मेरे को मैक्स कर देता हूँ, बहुत रहेगा मैक्स, क्योंकि ऑटो ऑर्डर पे लगा दूंगा वो भी सही है। और तो चलो यहाँ पे और कुछ प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इनको भी लगाओ। शायद से इसका भी ट्रक आएगा इसको सामान देने, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे सारे आइटम्स लग चुके हैं, ऑटो ऑर्डर हम ऑन कर देते हैं। और अभी के लिए हमें बस क्या हायर करना है, एक सेफ और एक ठीक है मेड हायर करनी है, क्योंकि हम तो रहेंगे नहीं यहाँ पे, वही सब अपना रेस्टोरेंट संभालेंगे। और यहाँ पे देख रहे हो खाना वाना पड़ा हुआ है, अभी मैं दे सकता हूँ वैसे, वेटर मतलब सेफ का काम कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत आता है मुझे, ऐसी बात नहीं है भाई। तो चलो अभी ना यहाँ से निकलते हैं और अपनी गाड़ी को मैं लेके, छोड़ो अभी गाड़ी को नहीं, पैदल ही निकलते हूँ। और हाँ, इनके लिए सैफ लाता हूँ और थोड़ा भाई प्राइस घटाता हूँ अपनी मार्केट का, बहुत ज़्यादा है। मैंने कहने पे रख तो दिया, बट अभी एडजस्ट नहीं हो पा रहा, रेपुटेशन हमारी काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है ना इस करके। तो ठीक है, अभी के लिए मैं जल्दी चलता हूँ। यहाँ पे मेरा मैनेजर रूम काफ़ी ज़्यादा यार गंदा रहता है, इसे साफ भी नहीं करते ये सब, तो बट कोई बात नहीं। यहाँ पे मेरे को ऑर्डर्स पहले ना इनके कम करो, जितने हो सकते हैं, $1 रखूँ कि 86, इतना ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे $5 के अराउंड ये रहेगा, ठीक है, इतना भाई $1 तक जा सकता है, बट नहीं, $1 हमने रखना नहीं, $5, $10 जा सकता है शायद से।
तो ठीक है, इसे भी कम करो। अभी के लिए मैं सबके कम करने वाला हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। पानी वाला भी कम करना है, यहाँ पे कोक चिप्स इन सब के भी रेट काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, तो इन्हें भी भाई कम करना पड़ेगा। तो ठीक है, अभी के लिए मैंने बहुत ज़्यादा कम कर दिया, तुमने देख लिया 50% पे मैंने कर दिया पूरा, जिससे कि हमारे कस्टमर काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे। अब तो चलो इसे बंद करो, और अभी के लिए मेरे को कुछ कस्टमर्स मैं सोच रहा हूँ क्यों ना निकाल ही दूँ। दो मिनट रुको यहाँ से ना, पहले मैं देखता हूँ। सैफ मैंने भाई हायर नहीं करे यार, सैफ मैंने हायर नहीं करे, दो मिनट इन्हें भी हायर कर लेता हूँ। $25 में हायर होगा एक, एक $100 में है भाई, जो सैफ है वो $100 में है, जो वेटर है वो $25 में है। तो चलो मैंने हायर कर लिया है अभी, तो ठीक है यहाँ पे सारा काम कंप्लीट। और अभी मेरे को जाना पड़ेगा अपने रेस्टोरेंट में, और रेस्टोरेंट में चल के देखना पड़ेगा कोई कस्टमर आया भी है या नहीं। मैंने ओपन तो कर दिया है अपना रेस्टोरेंट, कस्टमर भी आना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है यार। तो ठीक है, अभी ना मैं जल्दी चलता हूँ वहाँ पर देखने के लिए कि भाई कोई कस्टमर अवेलेबल है या नहीं। तो चलो, और मेरी जो गाड़ी है ना भाई वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो चलो एक सेकंड, वहाँ क्लोज लिखा था ना, दो मिनट, यहाँ पे ओपन करो भाई, ये क्लोज नहीं रहनी चाहिए, यहाँ पे कस्टमर अवेलेबल होने चाहिए हमारे। तो ठीक है, यहाँ पे मेरे साथ से मेड और सैफ, ये रहे दोनों के दोनों। और भाई सैफ जो कितना ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा है, मेड तो ये रही हमारी। ओ भाई कितना कितना ज़्यादा यार मस्त लग रहा है सैफ, मेरे को कमेंट में तुम सब बताओ कि कैसा लगा तुम्हें हमारा सैफ ही वाला। तो चलो यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे मेड है हमारी जो कि अपना संभालेगी, और उसके ब्लू आइज जो कि तुम देख रहे हो भाई कितनी ख़तरनाक लग रही है। तो ठीक है, अभी के लिए यहाँ देखता हूँ कोई कस्टमर आया भी है या नहीं। अभी तो कोई कस्टमर मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, पर वेट करना पड़ेगा। शायद मैंने ऑर्डर तो ऑटो पे लगा दिया था, 20-20 आइटम्स ऑर्डर पे लगाए हैं, बट कोई कस्टमर क्यों नहीं आया भाई। यहाँ जाना चाहिए यार कस्टमर को, अभी रुकना दो मिनट, मेरे को चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे मेरा ऑर्डर ऑटो फिल है, 2020 ऑर्डर, सबके मैंने आइटम्स 2020 ऑर्डर कर चुका हूँ मैं, पर अभी तक कस्टमर अवेलेबल नहीं हो रहा, शायद से वेट करना पड़े मुझे। चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ वेट करते हैं क्योंकि मेरे को वेट तो करना ही पड़ेगा, और रेपुटेशन हमारी थोड़ी बहुत देखो बढ़नी स्टार्ट हो चुकी है। और एक सेकेंड, यहाँ पर एक कस्टमर आया था हमारा जो कि तुम्हें दिख ही गया होगा। तो चलो भाई, कस्टमर्स आना शुरू हो चुके हैं हमारे रेस्टोरेंट में, बट कोई बात नहीं, आराम से देखेंगे। और यहाँ गाड़ी के लिए कोई बंदा नहीं आया भाई, पेट्रोल इनको मैं निकालूंगा, इन्हें भाई मैं ना निकालना शुरू करता हूँ वर्कर्स को, क्योंकि ना इनमें से कोई आ नहीं रहा है, मतलब सबके सब खड़े हुए हैं फ्री। आई एम बिज़ी, बिज़ी हो भाई तुम यहाँ खड़ के, ये सब बिज़ी हैं, देख रहे हो। हावर भाई इनका हाव आर यूर तो मैं निकालता हूँ दो मिनट को, इनको ना मेरे को अभी निकालना ही पड़ेगा क्योंकि ये हरकतें इनकी ना ज़्यादा ही हो रही है कुछ। तो चलो अभी ना मैं इनको पकड़ता हूँ, ठीक है यहाँ पे कंप्यूटर से मेरे को निकालना पड़ेगा, बट मैं अपनी कंडीशन से ही रख लूँ क्योंकि मेरे को भाई कभी भी चक्कर आ सकता है, उसके कारण मैं गिर जाऊँगा यार कंडीशन सही नहीं रही तो। तो ठीक है, यहाँ पे सब कुछ आया रहा है, यहाँ का अपना काम कंप्लीट है। और मैंने कलरफुल भी बिकता है क्या भाई यहाँ पे सामान, चिली पिज़्ज़ा, अच्छा ये सब ठीक है, ठीक है यहाँ पे कर सकता हूँ मैं सॉसेज, ये सब ज़्यादा करना हो तो के लिए हो सकता है ऐसे। तो यहाँ पे मेरे को क्या एडवर्टाइजमेंट नहीं, मेरे को एम्प्लॉयज़ निकालने हैं ना। और यहाँ पे देखो हमारी मार्केट में भाई भाई कितना ज़्यादा फ़ायदा है, टोटल अर्निंग देख रहे हो तुम तो, ठीक है, बट उससे ज़्यादा ना मेरे को फ्यूल में अर्निंग ज़्यादा है भाई, फ्यूल में काफ़ी ज़्यादा कमा लेता हूँ मैं तो, ठीक है। और यहाँ पे कोई कॉइन्स मैंने नहीं बनाए हैं अभी, कोई कॉइन्स भी नहीं बनाए हैं, तो कॉइन्स भी बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, बट उससे पहले एम्प्लॉयज़ निकालना ज़रूरी है। तो यहाँ देखो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ फ्री हैं, तो दो मिनट, जो मेरे को लगता है कि हाँ ये काबिल नहीं है ना उनको ही निकालने वाला हूँ आज मैं ना हायर करता हूँ, देखता हूँ। यहाँ पे देखो कितने सारे काम करे गए, ठीक है मैंने इसको हायर कर लिया है, अपना काम देखता रहेगा सारा। तो यहाँ पे मैं हटाता हूँ, यहाँ पे ना कुछ ये जो कम कम काम वाले हैं ना इनको हटा देता हूँ, इनका फ़ायदा नहीं है, दो मिनट फायर करो इन्हें, निकालो अभी काम से भाई, इनका कोई फ़ायदा नहीं है, फालतू में खड़े हुए हैं। एक क्लीनिंग ट्रैश देखो उसका क्या काम है, फ्यूल भरने का है, सेल आइटम्स करने का, पर वो साफ़ सफाई कर रही है तब भी, और मैंने उसे ही निकाल दिया क्या भाई साहब, मैंने गलती से उसे भी निकाल दिया, बट कोई बात नहीं, अभी एक एम्प्लॉय हमारा ऐड हो जाएगा हमारी मार्केट में, हो भी चुका है भाई हमारे गैस स्टेशन पर हो चुका है वो ऐड, यहीं कहीं सामने खड़ा होगा। 20% पे छूट चल रही है आज हमारी स्टॉक पे, और यहाँ माइकल है इसका नाम, जो कि नवा बंदा आया है हमारे शॉप पे काम करने के लिए। तो व्हाट आर यू डूइंग, कोई कोई काम करो भाई अपना जाके तुम, यहाँ मेरे को रेस्टोरेंट जाके देखना है कि रेस्टोरेंट में क्या काम चल रहा है। क्लोज हो गया ये, और ये महिला यहाँ पे क्यों खड़ी है भाई, मेरे हिसाब से मेरे को लग रहा है इसको इसका ऑर्डर नहीं मिला क्या, दो मिनट रुको, नॉट फाउंड भाई, ऐसा क्या मांग लिया इसने जो कि हमारे सैफ और हमारी मेड को मिल नहीं रहा, अलग ही चल रहा है। दो मिनट, इसे रेस्टोरेंट इनको क्लोज करने को किसने कहा, और मेरा रेस्टोरेंट है मतलब ये भी 24 आवर्स काम तो नहीं कर सकते, मजाक हो रहा है क्या यहाँ पे।
तो चलो यहाँ पे इन्होंने कर तो दिया है, और यहाँ पे ये काम ये इसने मुंह क्यों घुमा लिया भाई? अरे नाराज हो गई उस आंटी से? कोई बात नहीं, अभी नाराजगी का टाइम नहीं है भाई, कस्टमर संभालो तुम। कहीं पता लग रहे हो नाराज हो रहे हो और वहाँ हमारे कस्टमर्स भाग रहे हैं तुमसे डर डर के। तो चलो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और भैया साहब, भैया आप क्या कर रहे हो? आपका आइटम खा लूँ मैं? ठीक है, मैंने खा लिया है, वैसे पूछने की क्या ज़रूरत थी, मैं मेरा पैसों का मंगाया हुआ है भाई वो। तो चलो अभी यहाँ से निकलते हैं, और ये आंटी जी तो यहाँ से जाएंगी नहीं, तो मेरे हिसाब से मेरे को ही यहाँ से चला जाना चाहिए अपने घर पे। तो ठीक है, अभी ना मैं अपने घर ही निकलता हूँ, क्या फ़ायदा। हमारी जो गाड़ी है वो तुम्हें पता है कितनी खतरनाक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जल्दी हमें पहुँचा देगी। तो चलो अभी यहाँ से मैं निकलता हूँ अपने घर के लिए। तो ठीक है, यहाँ पे दो व्यक्ति खड़े हुए थे, पता लगता ना अभी ऊपर से इनके गाड़ी गुजरती ना भाई, ये गुजर जाने थे। तो चलो अभी के लिए, और मेरी गाड़ी क्या चलती है यार, मतलब रोड पे ना हमारी गाड़ी दिखाई देती है चलती हुई। और भाई ये तसला वालों की गाड़ी है शायद से, क्योंकि उनका लोगो बना है यार पीछे की तरफ। अब मेरे को नहीं पता कौन सी गाड़ी है, तुम सब मेरे को कमेंट में जाके बता सकते हो कि ये कौन सी गाड़ी है। तो चलो मैं आ चुका हूँ। और कस्टमर्स अब क्यों भाई, इन कस्टमर्स को क्यों गुस्सा आ रहा है? अब इनके लिए मैंने रेटिंग भी अच्छी कर दी है, फिर भी गुस्सा आ रहा है, फालतू का गुस्सा निकाल रहे हैं अभी ये। तो चलो यहाँ आके मैं सोता हूँ, पर सो नहीं सकता यार, मैं भूल क्यों जाता हूँ कि मैं सो नहीं सकता। कोई बात नहीं, अभी सोना नहीं है तो क्या करें, फिर यहाँ से हम निकलें क्या? तो मिनट, और सुबह भी हो चुकी है क्या भाई? यहाँ पे मैं रात में सोने के लिए आया हूँ और यहाँ सुबह भी हो चुकी है यार, कितनी जल्दी ओ भाई। तो चलो अभी ना मैं जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ, बहुत ज़्यादा फायदे वाली बात है, हमें यार वहीं पे रहना चाहिए था, फालतू में ना हम यहाँ आके फंस के यार हमारा यहाँ का टाइम ख़राब हुआ यार काफ़ी ज़्यादा। कोई बात नहीं, टाइम ख़राब हुआ तो अब क्या भी कह सकते हैं। तो चलो जल्दी चलता हूँ, रेस्टोरेंट देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, रेस्टोरेंट को मेरे को संभालना है, क्योंकि और जो गाड़ी की स्पीड है वो नेक्स्ट लेवल पे है भाई, नेक्स्ट लेवल पे है गाड़ी की स्पीड। सही में यार मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, गाड़ी की स्पीड भी भाई, आवाज़ ही ऐसी है ना गाड़ी की, तुम सुन सकते हो। मेरा मन कर रहा है सही में एक ना चक्कर लगा के आऊँ, तो मेरे को कमेंट में बताना कि हमें चक्कर लगाना चाहिए या नहीं। तो चलो यहाँ पे आ चुका है, रेस्टोरेंट ओपन है, और एक पहला कस्टमर भी आ चुका है हमारे रेस्टोरेंट पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही बात है। और यहाँ मेड देखो अपने आप सामान देके जा रही है, तो भाई ठीक है यहाँ पे इस कस्टमर, ये किसको हाथ दिखा के, अरे भाई चल कैसे रही है ये हमारे, इसमें शायद से वाइन भी ऑफर होती है क्या, मतलब मिलती है मेन्यू में शायद से वाइन होगी, और उसने मेरे को लग रहा है वाइन पी है, और भाई इसको नशे हो चुके हैं सस्ते वाले वो भी। तो चलो गाइस ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं, हमारा काम आज का हो चुका है, मतलब कि रेस्टोरेंट हमारा खुल चुका है, और मेड और सेफ उसमें लगे हुए हैं अपना अच्छा खासा काम करने में। अब मैं नहीं चाहता इनको मैं डिस्टर्ब करूं, इनको अपना काम करने दो, हम करेंगे अपना काम। तो ठीक है गाइस ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं, आई होप आप सबको ये वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और हाँ कमेंट करके जल्दी से बताओ कि ये वाला एपिसोड आपको कैसा लगा, और शेयर भी कर देना, आपकी मर्जी है शेयर वैसे कर देना चाहिए, और सब्सक्राइब नहीं करा ना क्या कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब करो, उस पर ना मैं कह रहा हूँ वो एक आपके पास फिंगर्स होती है ना, उनको बस दबाना है उस वाले रेड वाले पे, अपने आप सब्सक्राइब हो जाएगा और आपको सवेरे 9 बजे वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो चलो गाइस मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।